दोस्तों वात, पित्त और कफ, इन तीन स्थिति में हम अश्वगंधा लेने के कुछ ऐसे प्रयोग के बारे में जानने वाली हैं, यानी कि वात प्रकृति वाले अश्वगंधा का सेवन कैसे करें, पित्त प्रकृति वाले अश्वगंधा का सेवन कैसे करें और कफ प्रकृति वाले अश्वगंधा का सेवन कैसे करें। जैसा कि आपको पता है कि अश्वगंधा एक बहुत ही पावरफुल हर्ब है, यानी कि एक पावरफुल औषधि है। आयुर्वेद के अनुसार यह एक रसायन है और यह एक वाजिकारण औषधि है, यानी कि ऐसी औषधि जो हमारे शरीर में वीर धातु यानी कि हमारी शुक्र धातु को पोषित करता है, शुक्र धातु को बहुत तेजी से बढ़ाता है। और यह रसायन है यानी कि यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हमारी ओज धातु, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। यह एकदम बंजर शरीर को यानी कि जिसकी नस नाड़ी सूख गई है, तो यह ऐसे शरीर में भी जान डालने का काम करता है, यानी कि यह रूखे सूखे शरीर को भी एकदम हरा भरा बना देता है। और न केवल ये शारीरिक दुर्बलता में उपयोगी है बल्कि इसका फायदा होता है मानसिक दुर्बलता में, यानी कि यह मानसिक रोग में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अब इसमें हम सबसे पहले जानने वाले हैं कि वात प्रकृति वाले इसका सेवन कैसे करें। वात प्रकृति वाले इसका सेवन करें तिल के साथ, यानी कि शुद्ध तिल के साथ। जो तिल के बीज होते हैं यानी कि काले बीज, मात्रा की बात करें तो एक चम्मच तिल यानी कि तिल के बीज और एक चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पित्त प्रकृति वाले इसका सेवन कैसे करें। पित्त वाले यानी कि गर्म शरीर वाले इसका सेवन करें धरोष्ण दूध के साथ। या अगर उनको धरोष्ण दूध नहीं मिल पाता यानी कि ताजा दूध जो कि थनों से निकाला गया हो, अगर उनको ऐसा दूध नहीं मिल पाता तो वह इसका सेवन कर सकते हैं घी के साथ। मात्रा की बात करें तो एक चम्मच अश्वगंधा चूर्ण के साथ एक चम्मच घी यानी कि देशी गाय का घी। या अगर आपको दूध मिल जाता है तो एक गिलास धरोष्ण दूध। अब अंत में बात करते हैं कि कफ प्रकृति वाले इसका सेवन कैसे करें। कफ प्रकृति वाले इसका सेवन करें गर्म जल के साथ यानी कि गुनगुने पानी के साथ। एक चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण और एक चम्मच गुनगुना पानी। इस तरह से अगर आप अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो यह हमारे शरीर में यानी कि जिन व्यक्तियों का शरीर एकदम रूखा सूखा हो गया है, शरीर एकदम ड्राई रहता है, हृदय से जुड़ी उनको समस्या होती है, खांसी होती है, व्यक्ति को अगर नपुंसकता की समस्या है, तब ऐसे में भी इसका सेवन करना फायदेमंद होगा। पेट में कीड़े हो जाने पर ऐसे में भी इसका सेवन करना फायदेमंद होता है। अश्वगंधा का सेवन करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। अश्वगंधा का सेवन करने से वेट गेन होता है। अश्वगंधा का सेवन करने से ओज धातु की वृद्धि होती है। अश्वगंधा का सेवन करने से व्यक्ति को नींद अच्छी आती है। और ऐसे अश्वगंधा का सेवन करने के अनगिनत फायदे होते हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ पर वात, पित्त और कफ, इन तीनों के लिए अश्वगंधा को अलग अलग चीजों के साथ बताया है। अब आपके मन में ये डाउट आया होगा कि आपको इसका सेवन कब करना है। इसका सेवन आपको करना है रोज सोने से पहले और नाश्ता करने के बाद यानी कि दिन में दो बार। इसको लंबे समय तक लेने के दो तरीके हैं। पहला कि हफ्ते में 5 बार इसका सेवन करें, या 3 महीने इसका सेवन करें और 15 दिन का गैप दे दें, फिर 3 महीने इसका सेवन करें और 15 दिन का गैप दे दें। इस तरह से इसको आप लंबे समय तक ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।